हेलो स्टूडेंट्स, एलीट स्टडीज इंदौर के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले मेरी अपील है कि सिर्फ वही अभ्यर्थी इस पॉडकास्ट को सुने जो कि वर्तमान परिस्थितियों की वजह से प्रभावित हैं। कहने का तात्पर्य, जो सरकारी कर्मचारी एमपीपीएससी की परीक्षाएं देते हैं, साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जिनको तैयारी के लिए कम समय मिला है, जो अपने अधिकारों के लिए माननीय न्यायालय में याचिका लगा रहे हैं और विभिन्न तरह के प्रयास कर रहे हैं, सिर्फ वही सुने। बाकी जिनको पर्याप्त समय मिला है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है उनके साथ, वो इस पॉडकास्ट को सुनकर अपना समय व्यर्थ ना करें और ना ही किसी भी तरह का मेरे व्हाट्सएप पर कोई मैसेज करें। चलिए तो शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट हमारा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2021 जो कि 19 जून को होने वाली है, उसके संबंध में स्थिति क्या है। सबसे पहले हम अपना वो सर्वे देख लेते हैं YouTube चैनल पर, जो कि रोज ही मैं आपको दिखाता हूँ। ये है हमारा YouTube चैनल एलीट स्टडीज इंदौर का, और इसके चौथे मेन्यू कम्युनिटी पर चलते हैं। यहाँ पर वही टेस्ट सीरीज से संबंधित कुछ जानकारी, कल मैंने आपको ये बता दी थी। 2 टेस्ट हो गए हैं, 18 टेस्ट अभी बाकी हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं सभी अभ्यर्थी। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, टेलीग्राम ग्रुप पर आप सभी देख ही रहे होंगे। चलिए जो सर्वे हम जिसकी बात करने वाले हैं उसकी बात करते हैं। ये रहा, तो देखिए यहाँ पर पूछा गया था, लगभग 1100 वोट हो गए हैं। अब ये संख्या बढ़ के 79% हो गई है, लगभग 80% ही हो गई है। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि ये स्पेशली सरकारी कर्मचारियों से पूछा गया था, और 80% बच्चे कह रहे हैं, अभ्यर्थी कह रहे हैं कि डेट को बढ़ना चाहिए। अब यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूँ कि ये वोटिंग आप ही ने की है, इतना तो मुझे लगता है कॉमन सेंस होगा। भले ही अंग्रेजी में एक कहावत है, कॉमन सेंस इज ऑल्सो अनकॉमन, लेकिन खैर ये उन लोगों के लिए है। यहाँ पर बच्चे जो कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि हमें छुट्टी नहीं मिलेगी, अब छुट्टी क्यों नहीं मिलेगी? देखिए, बहुत सारी जो है इनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, और आपको मैं बता दूँ कि बहुत सारे अधिकारियों से मेरी, जो कि मेरे स्टूडेंट भी थे और अभी भी, उनके मैसेजेस आते हैं। रात में 8, 9, 10 बजे तक वो अपने कार्यालय में काम कर रहे हैं चुनाव का, और ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी वाला काम होता है। इसलिए थोड़ा सा एक जो स्थिति है उनकी, एक वो आप कह सकते हैं कि मेंटल ट्रॉमा जैसी स्थिति है, क्योंकि जो अभ्यर्थी एमपीपीएससी का इंतज़ार करते रहते हैं एक अच्छी पोस्ट लेने के लिए, परीक्षा होगी, वैसे भी 2019 और 20 की परीक्षाएं अटकी हुई हैं, इस वजह से ये इंतज़ार और उनका जो है बढ़ रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर 19 की परीक्षाएं भर्तियां हो जाती, 20 में हो जाती, तो इतना ज़्यादा इस चीज़ का इशू क्रिएट नहीं होता। लेकिन अब ये 21 भी उनके हाथ से निकल जाएगा, इस बात का सबसे बड़ा उनको कहना चाहिए दुख है, तकलीफ़ है। विभिन्न सरकारी कर्मचारियों के जो संगठन होते हैं उन तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, आज के अखबारों में भी आया है, एमपीपीएससी से भी मांग कर रहे हैं कि ये एग्ज़ाम की जो तारीख है हमारे हितों को ध्यान में रखकर बढ़ा दी जाए। और वैसे मुझे लगता है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को भी थोड़ा सा ये समझना चाहिए कि पूरा सरकारी अमला जब चुनाव की ड्यूटी में लगा हुआ है, तो ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे कि चुनाव की शुचिता प्रभावित हो, या किसी भी तरह की कोई जानबूझकर या गलती से कोई गड़बड़ी हो जाए और ये कहीं ना कहीं आगे चलकर चिंता का विषय बन जाए। तो ये मेरा एक सुझाव है। आप देखते हैं कि बच्चे जो हैं कहां कहां किसको पत्र लिख रहे हैं। देखिए यहां पर ये लिखा हुआ है, टू स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ मध्य प्रदेश। यहाँ पर कुछ बातें जो कही गई हैं एग्ज़ाम बढ़ाने को लेकर, सबसे पहले तो ये बता रहे हैं कि ये आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन है, आप देख रहे हैं। और यहाँ पर बता रहे हैं कि कुछ बच्चों को 100 से ज़्यादा दिन मिले हैं और कुछ बच्चों को सिर्फ जो है 21 दिन दिया गया है, तो ये एक तरह से पार्शियलिटी है। दूसरा बता रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब में जो बच्चे हैं, अभ्यर्थी हैं, वो इलेक्शन में ड्यूटी होने की वजह से कैसे परीक्षा देंगे,
और कई जगह सुनने में आया है ग्वालियर, नरसिंहपुर, रीवा जैसी जगहों पर छुट्टियां मिलना जो है अधिकारियों के द्वारा मना कर दिया गया है। ये अभ्यर्थियों का जो मेल है वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। अगला फैक्टर ये बता रहे हैं कि ग्रुप सी और ग्रुप बी के कर्मचारी इसमें लगे होंगे। और जो एमपीपीएससी का पुराना रिकॉर्ड है, जो एक प्रोटोकॉल है, वो भी वो फॉलो नहीं कर रहा है। 2019 का कोई अता पता नहीं है, 20 का कोई अता पता नहीं है। ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो आदेश हैं उनको भी जो है एक तरफ रख के और परीक्षाओं को लिया जा रहा है। तो इस तरह से जो है ये भी बताया जा रहा है कि क्लैट का एग्ज़ाम भी है 19 जून को, तो ये जो एप्लीकेंट्स हैं वो मांग कर रहे हैं। अब कुछ एक मैसेज मैं आपको बता दूं कि देखिए, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उन सभी को ये दिख गया होगा ये फॉर्मेट, ये मैसेज। ये आप भी कर सकते हैं, आप चुनाव आयोग को भी कर सकते हैं। ऐसा ही मैसेज चुनाव आयोग को भी दिया गया है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जो हमारे मध्य प्रदेश का चुनाव आयोग है उनके संज्ञान में ये चीज़ें, ये बातें नहीं होंगी शायद, तो अभ्यर्थियों ने उन्हें भी भेजा है। आप भी भेज सकते हैं, और यही लेटर जो है आपके माननीय राज्यपाल, मुख्यमंत्री जी, होम मिनिस्टर साहब, एमपीपीएससी को, चुनाव आयोग को, ह्यूमन राइट्स कमीशन को और विभिन्न तमाम संस्थाओं को भेजा गया है और भेजा जा रहा है। तो एक कोशिश है कि इस एग्ज़ाम को टाल दिया जाए। सबसे बड़ा कारण यही है कि 19 और 20 की परीक्षाओं का रिजल्ट ना आना, अगर इनमें सही तरीके से, जैसे कि 2018 से पहले परीक्षाएं हो रही थी, हो जाती, तो निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि 2018 तक कितना बढ़िया जो एक सिस्टम एमपीपीएससी ने बना दिया था परीक्षाओं का। हर साल साल में दो दो एग्ज़ाम्स हो जाते थे, तो एक बहुत स्मूथ तरीके से चीज़ें चल रही थी। बट जो ये 18 के बाद जो 19 से 20 से ये जो हाल कर दिया है, मैं कहूँगा कि एमपीपीएससी जैसी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको नियमों के अनुसार काम करना चाहिए। जब कहीं सरकार या कोई भी विभाग गलत करता है तो उनको बताना चाहिए सही क्या है, ताकि इस तरह की परिस्थितियां अभ्यर्थियों के लिए उत्पन्न ना हो। कुछ और मेल भी गए हैं, देख लेते हैं। देखिए, निर्वाचन आयोग को भी हिंदी में टाइप करके भेजा गया है, और भी कुछ हैं। इससे पहले मैं अगली आपको स्लाइड दिखाऊं, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि जो वास्तविकता में सरकारी कर्मचारी हैं और प्रभावित अभ्यर्थी हैं, सिर्फ वही इस पॉडकास्ट को सुना करें, देखा करें। अन्य अभ्यर्थी जो हैं वो मुझे मैसेज ना किया करें। कारण यही है कि हमेशा से मैं उन लोगों के लिए आवाज़ उठाता रहा हूँ, साथ देता आया हूँ, जिनको वाकई में कोई समस्या है, परेशानी है, दिक्कत है। लेकिन हो ये रहा है कि ऐसे भी बच्चे जिनको पर्याप्त टाइम मिला है, सारी चीज़ें उनके साथ सही हैं, वो कहना चाहिए इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं जानबूझकर, और अपनी तैयारी जो उन्हें करना चाहिए सिस्टमेटिक वे में उसको ना करके वो क्या कर रहे हैं कि मैसेज कर रहे हैं और लगातार जो है जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन जब उनको किसी तरह के सहयोग या सपोर्ट के लिए बोला जाता है तो वो हाथ खड़े कर देते हैं। पता चल जाता है कि हाँ, ये जो है कहना चाहिए कि प्रभावित बच्चे नहीं हैं, क्योंकि जो बच्चा जिसका नुकसान हो रहा है, जो बच्चा प्रभावित हो रहा है, वो हर तरीके से सपोर्ट करता है। चाहे वो मेल करना हो, किसी से बात करना हो, किसी तरह का कोई काम हो उसमें वो सहयोग करता है। लेकिन जो बच्चे जिनका कोई लेना देना नहीं है, वो चाहते हैं कि एग्ज़ाम डेट बढ़ जाए, वो आते हैं और अननेसेसरी क्वेरीज करते हैं, और जब उनसे किसी भी तरह का सहयोग, सपोर्ट या कुछ भी बोला जाता है तो वो हाथ खड़े करके और दूर हो जाते हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि जिसको परेशानी है, दिक्कत है, निश्चित रूप से उस व्यक्ति को आगे आना पड़ेगा, और जिनको दिक्कत नहीं है वो तैयारी करिए। उनकी परीक्षा 19 जून को होने वाली है। अगली स्लाइड देखते हैं। तो ये देखिए, ये पत्रिका में आई है न्यूज़, आप देख सकते हैं, 7 जून की है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो है आयोजित राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 और वन सेवा परीक्षा 2021 का आयोजन जो है 19 जून को होना है। तो इसमें सरकारी कर्मचारी जो हैं एमपीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक को पत्र लिखकर
डेट को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थी भी इस तरह के पत्र जो है एमपीपीएससी को लगातार लिख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि देखिए, सामान्य परिस्थितियों में परीक्षा का होना एक अलग बात होती है, लेकिन चूंकि ये बहुत ही संवेदनशील परिस्थिति है, चुनाव आयोग जो है पूरी तरह से, जो आपका एक एग्जीक्यूटिव आप कह सकते हैं, जितनी भी हमारी ग्रेड ए से लेके डी तक जो भी है, सारी जो आप कह सकते हैं मशीनरी है हमारे मध्य प्रदेश की, उसको एक तरह से उन्होंने क्या है पूरा काम पर लगा दिया है। तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग अब ये नहीं देखेगा कि किसके हित प्रभावित हो रहे हैं, किसके नहीं हो रहे हैं। उनको चुनाव करवाना है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है। अब एमपीपीएससी और सरकार को ये सोचना है कि हम अभ्यर्थियों के हित में निर्णय लें। आप वैसे भी पहले भी कई परीक्षाएं कई बार बढ़ा चुके हैं, और वैसे भी एक बात और है कि एमपीपीएससी के अभ्यर्थी तो सिर्फ तैयारी करने के लिए बने हैं, नौकरी तो पिछली 4 साल से आप दे नहीं रहे हैं। तो एमपी में इस तरह का एक वातावरण बन गया है कि एमपीपीएससी की तैयारी करने का मतलब यही है कि तैयारी करते रहना। 19 पर माननीय न्यायालय के डिसीजन देखिए, 20 पर देखिए, महीनों बीत जाने के बाद भी उस पर कोई एमपीपीएससी की तरफ से अभी तक जवाब नहीं आया है, कोई नोटिस सूचना नहीं आई है कि हम क्या कर रहे हैं। और मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि 22 जून तक कुछ नहीं होगा, 22 जून आप देख लीजिएगा, और अब तो चुनाव हैं, तो अब ये चुनाव के बाद ही जाएगा। तो कहने का तात्पर्य वही है कि जो मैं बोला करूँ वो आप मान लिया करिए, क्योंकि मैं बहुत सोच समझ के और तथ्यों के आधार पर ही बोलता हूँ। आगे आपसे सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा, टेस्ट सीरीज चल रही है प्रिंसर की 5 जून से 17 जून तक। अब भाई ये देखिए, ये तो मेरा रोज़गार है, इसको तो बोलना ही पड़ेगा। और यहाँ पर एक और चीज़ याद आ गई, कुछ बच्चों को मैं बड़े भाई होने के नाते, शिक्षक होने के नाते कुछ कहना चाहता हूँ। कुछ जो मेरे छोटे भाई हैं वो क्या कर रहे हैं कि यूट्यूबर बन रहे हैं। अब मुझे उससे कोई समस्या नहीं है बेटा, सबके अपने अपने अधिकार हैं, राइट्स हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। बट एक बड़े होने के नाते मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि इस सस्ती लोकप्रियता में ना पड़े। हम जो ये YouTube पर पॉडकास्ट लाते हैं, ये हमारा रोज़गार है। हम लोग 10-12 साल पहले एग्ज़ाम्स की तैयारी करना छोड़ चुके हैं, नौकरियां छोड़कर बैठे हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को, क्योंकि हमने ये डिसाइड किया है कि ये हमारी डेस्टिनी है, ईश्वर ने हमारे भाग्य में पढ़ाना लिखा है, तो हम पढ़ा रहे हैं। और आप देख रहे हैं हम टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, ये हमारी रोजी रोटी है, तो हम टेस्ट सीरीज़ का प्रचार करेंगे क्योंकि उससे हमारी रोजी रोटी चलती है। हम हर अपने कोर्स का प्रचार करेंगे, उससे हमारी रोजी रोटी चलती है। जैसे सरकारी कर्मचारी का काम क्या है, जो सरकार उसको काम देती है वो करते हैं, प्राइवेट वाला वो ये हमारा काम है। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि जो बच्चे, हर कोई एक यूट्यूबर बन रहा है और रूमर्स फैला रहा है, PIL के विषय में मैं आपको अभी तक की जानकारी दे दूँ, याचिका के विषय में, कि माननीय न्यायालय की छुट्टियां हैं अभी 10-12 तारीख तक, आप पता कर लीजिए उच्च न्यायालय की। तो PIL या याचिका के विषय में अपडेट यही है कि हम लोग पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ कानूनी दावपेच कह लीजिए, कठिनाइयाँ कह लीजिए, हमको सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से अभी तक कोई भी आपकी याचिका नहीं लग पाई है। ये वस्तु स्थिति है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इधर उधर के चैनल्स ना देखिए, सिर्फ रूमर्स हैं, याचिका लग गई है, सुनवाई होने वाली है। आप तभी मानिएगा जब कोई चैनल वाला आपको याचिका का नंबर दे दे, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि अभी माननीय न्यायालय की छुट्टियाँ चल रही हैं, वैकेशन बेंच बैठी हुई है, उस पर भी बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं, और ख़ासकर कुछ कानूनी कठिनाइयाँ, दावपेच कुछ ऐसे जो हमारे की बात चल रही है लगातार वकीलों से, साथ ही आप सभी का जो सहयोग सपोर्ट है, समर्थन है, वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि वेट एंड वॉच वाली स्थिति है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये आपको सोचना है। बाकी आपने जब भी मुझसे मदद मांगी है, मैंने आपको मदद की है, अपना मार्गदर्शन दिया है, और हमेशा मैं अपना मार्गदर्शन दूंगा। जिन बच्चों ने मेरे नंबर पर
9685570712 पर मुझे कांटेक्ट किया है, मुझसे पूछा है, या जो मुझसे जुड़े हैं, सिर्फ मैं उन्हीं के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। ये मैं आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ कि जो 9685570712 सिर्फ इस नंबर के माध्यम से किसी भी तरह का सहयोग सपोर्ट कुछ भी कर रहे हैं, मैं उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। अदरवाइज़ और जहाँ भी आपने जो कुछ भी किया है उनकी जानकारी आप उससे उनसे ले सकते हैं, क्योंकि क्या होता है आप सभी को पता है कि तमाम लोग जो हैं जैसे ही देखते हैं कि प्रिंस सर किसी चीज़ को लेकर एक्टिव हो रहे हैं तो उनको भी लगता है कि हम भी ये कार्य कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। बट मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जो भी कार्य करें उसमें हम सभी मिलकर सफलता भी पाएं तो बहुत अच्छा होता है। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि सभी अपने अपने आप में जो है कैपेबल हैं, सब कुछ कर सकते हैं, सभी को अधिकार है। लेकिन मैंने अपना व्यू क्लियर कर दिया कि आगे चलकर आप कुछ मेरे लिए धारणा बनाएं, मैं उसके पहले ही आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो टेस्ट सीरीज 5 जून से 17 जून वाली ज्वाइन करना है। 2 FLT हो गए, 18 बच्चे हैं। अब मैं खुद देखिए टेस्ट सीरीज चला रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनको पर्याप्त समय मिला है उनको तो तैयारी करना चाहिए। नुकसान किसका हो रहा है? जो सरकारी नौकरी करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं। तो आप सभी समझ सकते हैं कि अभी कुछ भी ऐसा क्लियर नहीं है, ना ही याचिका लगी है, ना ही कुछ चीज़ें जो हैं आगे बढ़ने की हम कोशिश कर रहे हैं, जो हमने आपको बता दिया है। आगे जैसा भी होगा आपको अपडेट देंगे। और प्लीज़ फिर से मैं कह रहा हूँ कि अननेसेसरी मैसेजेस ना करें, और जो भी आपके जिनसे आपने कहना चाहिए, जहाँ भी जिस तरह से आपका पहले कोऑर्डिनेशन चलता रहा है, आप वहीं कोऑर्डिनेशन अपना बिठाएं, उन्हीं से बातचीत करें तो बड़ी मेहरबानी होगी। बाकी मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।